Hello everyone this is Ashish Jain in this lecture video we are going to study website designing using html now first of all we need to see what is the basic objective to design a website basically we design website to provide useful information of every business like their product or service in a convenient way and the best way of providing information is to put up all the details in the official website. Although there are various software and tools available in the market to design a website, but according to the curriculum of beginners and BCOM, we try to familiarize our students with commonly used markup language that is HTML. And HTML stands for Hypertext Markup Language, which is Designed to display and access web pages. So, now let's start step by step how to design a website. So, first click on window button and then search for Notepad. Click on Notepad. So, this is a page of Notepad. In Notepad, we have three elements. एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज हमें पुटअप करनी है सो दैट वी कैन ईजीली गिव कमांड एंड वट एवर वी प्रोवाइड एनी कमांड इन द नोटपैड दिस विल सेम ऑटोमेटिकली शो और डिस्प्ले इन वेबसाइट. सो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से स्टेप बाई स्टेप देखना पड़ेगा फर्स्ट इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले आपको मैं एक बेसिक बता रहा हूँ देन आफ्टर लेक्चर बाय लेक्चर जैसे हमें लेक्चर आगे बढ़ेंगे हम अपन लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे सो देखिए फर्स्ट हम नाम करते मैं नाम tag. Tag, मैं ना हैं इसमें नाम लिया आपको टैग देखिए टैग जैसे ये मैंने लिखा टैग इसको बोलते हैं टैग एंड ये कौन सा टैग है दिस इज बेसिकली टैग देखिए यहाँ पर आपको आप जो भी आप कोई भी आप कमांड दोगे वही सेम आपको एक वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा ठीक है एंड यहां पर मैंने क्या लिखा है एक एम टैग एम टैग मतलब समझ रहे हो आप जैसे मान लो अगर हम अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए बोला आपने बोला मेरे काम कर दे बट आपने उसको कुछ बोलोगे नहीं कि काम क्या करना है तो वो काम कैसे करेगा ये वही है सो एम्प्टी टैग का पे यूज नहीं है बट यहाँ पे हम हाँ बता रहे हैं कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैग नेम एंड द एम्प्टी टैग ठीक है सो हमें एक कमांड देने के लिए हमें एक टैग नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम क्या कमांड देने जा रहे हैं ठीक है सो so, पहले तो आपको बेसिक बता रहा हूँ ठीक है देखिए जब भी आपको नोट पैड ओपन करना है तो पहले तो आपको फर्स्ट टैग नेम यूज करना है दैट इज कॉल्ड एच टी एम एल ठीक है एंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आगे कभी मिस्टेक ना हो जब भी आप एच टी एम एल ओपन कर रहे हो आप साइड बाई साइड इसको क्लोज भी कर दिया करो इसको क्लोज करते हैं करने का मेथड ये है ठीक है सो जो मैंने फर्स्ट लिखा है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग एंड ये आपका क्लोजिंग टैग क्लोजिंग के लिए कुछ नहीं आपने बेट ओपन किया ठीक है उसके बाद आपने एक स्लैश पुटअप किया टैग नेम एंड देन क्लोज द टैग ठीक है सो दिस इज द वे ऑफ पुटिंग कमांड इन दिस नोट पैड तो अब देखिए क्या करेंगे अभी हमें ये एच टी एम एल क्लोज करने से पहले हमें यहाँ पर काफी सारी कमांड देनी पड़ेगी कि हम जो है अपने वेबसाइट डिजाइन में क्या क्या कर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ठीक है so, सो देखिए आप इस तरह समझिए जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को लाइक कोई लाइक को ऑफिशियली अग अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो ठीक है ये वही होता है देखिए ऊपर लिखा एच टी एम एल उसके बाद आप लिखोगे टाइटल ठीक है टाइटल के हम पहले यूज करते हैं हेड टैग किस लिए यूज होता है ठीक है टाइटल कहाँ पे यूज करते हैं टाइटल बेसिकली जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अन टाइटल इसका कोई टाइटल ही नहीं है ठीक है तो यह बेसिकली जब हम यूज करते हैं उसको कहते हैं ब्राउजिंग के कस्टम तो वहाँ पर जो शो होता है ठीक है देखिए टाइटल और फिर लिखेंगे यहाँ पर हम सॉरी हैड उसके बाद टाइटल मैं टाइटल का टैग ओपन किया नाउ फर्स्ट मान लीजिए कुछ टाइटल नाम भेजाऊँ इंट्रोडक्शन ऑन एच टी एम एल एंड क्लोज टाइटल ठीक है अच्छा एक बात और हमेशा याद रखना कि एच टी एम में आपको जो मेथड यूज करना है दैट इज कॉल लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब क्या हुआ सर मतलब आपको आपने जो टैग बाद में ओपन किया है पहले उसको क्लोज करना है सर मतलब यस देखो मैंने यहाँ पर हेड ओपन किया था ठीक है टाइटल मैंने बाद में लिखा तो मैं टाइटल पहले क्लोज करूंगा उसके बाद हेड क्लोज करूंगा दिस इज प्रोवाइडिंग कमांड ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं आपको टाइटल किस लिए यूज होता है बेसिकली हैड होते किस लिए टाइटल प्रोवाइड करने के लिए कि आप इस जो भी आप नोटबोर्ड में काम कर रहे हैं जो आपकी जो वेबसाइट डिजाइन है उसका टाइटल क्या है ठीक है जैसे आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो किसी नाम से सेव करते हो ना ऐसे ही ये एक ब्राउजर का एक टैग नया नाम हो जाता है कि उसको टाइटल क्या है ठीक है नेक्स्ट वन इज जैसे देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल हुआ कि आप जो भी एच में काम करें सपोज एक एप्लीकेशन लिख रहे हो mm -hmm. जैसे हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर वैसे यहाँ पर लिखेंगे बॉडी ठीक है तो ये किस लिए है देखिए आप एच टी एम यानी कि वेबसाइट डिजाइन में आप जो है अपने बिजनेस में मतलब अपने कस्टमर को क्या क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हो ये आप पूरी बॉडी में करोगे ठीक है जो मतलब जो भी डिस्प्ले होगा वो सब यहाँ पर आएगा ठीक है ऐसा मान लो यहां पर सिर्फ मैं ये लिख रहा हूं कि एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज डिजाइन To display and access web pages, that's it, and then close body, that's it. अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ अब अब हमारा कंप्लीट हो चुका है मैंने भी आपको सिर्फ इतना ही आज बताऊंगा इसमें एक वीडियो में बट आपको यहाँ पर दिखना है दिखना है देखिए पहले आपको करना ध्यान देना आपको टैग से आपको टैग नेम देना पड़ेगा दैट मीन्स टैग नेम चाह बेसिकली कि आप क्या कमाल देना चाह रहे हो किसी को किसी को काम देने के लिए ठीक है तो पहले एच टी एम एल ओपन किया और देखिए एस टी एम एल एंड में आपका फिनिश हुआ बंद क्लोज हुआ मैंने क्या बोला आपको लीफ वैसड यूज करना है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट जो बाद में आया पहले उसको बाहर भगाओ या जो बाद में आ, पहले उसको क्लोज़ करो ठीक है एस टीम एल देखिए सबसे पहला आया था और सबसे एंड में उसको हम क्लोज कर रहे हैं ठीक है ना तो देखिए हेड आया हेड को देखो बाद में हमने क्लोज़ किया ठीक है बॉडी फिर बॉडी फिर हमने यहाँ क्लोज़ कर दिया ठीक है अब देखिए इसका वेबसाइट में कैसे शो होना है पहले आप देखिए फाइल में जाइए सेव एस यहाँ ध्यान से देखिएगा फाइल नेम आपको कैसे करना है पहले तो आप बैक स्पेस कर दिए और आप, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप नाम देना चाहते हो जैसे मान लीजिए मैं मैं रहा इंट्रो इसके बाद जो भी नाम दोगे इंट्रो डॉट एच टी एम एल ये लिखना आपके लिए मैंडेटरी है ठीक है उसके बाद लिखा है सेव एस टाइप किस टाइप में ऑल फाइल्स एंड देन सेव वेर एवर यू वॉन्ट आई जस्ट आई एम जस्ट सेविंग दिस फाइल टू द डेस्कटॉप तो सेव देखिए ये फाइल मेरी इस तरह से शो हो रही है देखो हो सकता है कि आपके सिस्टम में आपके डेस्कटॉप पे या आपका कोई डिफॉल्ट ब्राउजर यहाँ पर आ रहा हो क्रोम भी आ सकता है ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ सकता है तो घबराने कोई बात नहीं है आपको क्या करना है जस्ट क्लिक ऑन राइट राइट क्लिक कीजिए ओपन विद गूगल क्रोम कुछ भी हो सकता है एंटर कीजिए यहाँ पर देखिए

So, this is the way of creating a website. So, this is the only thing in the introductory video. In the next video, we will do some more steps. Thank you.